नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आँखों के बारे में बताने वाले हैं कि आँख का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को आँख का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो कारण क्या है। पहले की उम्र के लोग 60-70 के भी हो जाते थे तो भी उसको दिखाई देता था, चश्मा नहीं लगता था, तो कारण क्या था। कारण था कि उसका जो वर्क वो करते थे, पहले के लोग मसाला पीस कर खाते थे, पहले के लोग जितना मेहनत करते थे अभी के लोग उतना नहीं करते हैं। पहले के लोग धुआं में अपने आँख को झोंकते थे फिर भी उसको कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो मिलावटी खाना से दूर रहते थे। अभी का दौर पे मिलावटी खाना बहुत अधिक हो गया है। अब कुछ खुद भी, जैसे कि हम हो, आप हो और कोई हो, वो खाने में क्या पसंद करता है, तो आप पिज़्ज़ा ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए, चाउमीन ले लीजिए, या आपका नॉनवेज है वो चीज़ अपने खाने में यूज कर रहा है। मामूली सा एक आलू के बारे में बताते हैं, बंगाली लोग देखिएगा कि सब्जी को कम ही भूंजेगा, और बिहारी हो चाहे और भी हो, वो लोग क्या करता है कि आलू की इतना भूंज देता है, इतना भून देता है, उसको इतना लाल कर देता है या इतना तेल मसाला डाल देता है, वो आपको आलू में फायदा इतना है पर इतना वो नुकसान करता है। पेट में जाने के बाद आपका पेट से ही सारा बीमारी स्टार्ट होता है, पेट पचा नहीं पाता है। आप जितना तेल मसाला खा रहे हैं, जितना मैदा का सामान खा रहे हैं, वो आपका जाके नुकसान कर रहा है। तो नुकसान कैसे कर रहा है, आप तो खा रहे हैं पेट में, असर तो आँख में नहीं होना चाहिए। तो आँख का ही नहीं, शरीर का जितना ऑर्गन है सबको वो डैमेज कर रहा है, धीरे 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 सबको वो डैमेज कर रहा है। तो पहले हम बताएंगे, आँख के बारे में भी बताएंगे, पहले आप खुद सुधरिए। जैसे कि आप जो खाना में, पहले के लोग साग वगैरह खाते थे, साग आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि जो भी साग पसंद हो, पालक, भदुआ, चाहे लाल साग हो गया, चाहे और भी तरह का साग आता है जो आपको पसंद है, नहीं भी पसंद है तो खाने में थोड़ा सा साग जरूर रखिए, और हरा सब्जी का ज़्यादा उपयोग कीजिए। नॉन वेज यदि 40 के हो गए हैं तो एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पेट नहीं पचा पा रहा है। क्योंकि अभी का जो खाना आ रहा है, जैसे कि आप जो भी महंगा से महंगा खरीद के आ रहे हैं, तो सारा में मिलावटी है। तो आपको करना क्या है, सुबह में वॉक करना है, आपको ठंडे पानी से, जैसे मुंह में पानी भर लिए, आँख के बारे में बता रहे हैं आपको पहले कि कैसे आँख का आप सेवा कर सकते हैं, तो पहले मुंह में पानी भरें, पानी भरने के बाद आप ठंडा ठंडा पानी आँख में मारें, ऐसे 3 बार करें, ताकि आपका आँख जो है, जो गंदगी वगैरह है, जो आप बाइक चलाते हैं, चाहे आपका कुछ भी है आँख में, या आप रात को सोएं और सुबह सुबह ठंडा पानी मारें, तो उससे क्या होता है, आँख में जब मुंह में पानी भर के मारते हैं तो आँख का जो नस होता है वो हल्का हल्का वहाँ पर ही वो बैठता नहीं है। आपका बगल का ये आपका नाक के सामने जो नाक क्या बोलते हैं वो नस होता है, वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो होता क्या है कि आपका आँख धीरे 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 वो डैमेज होने लगता है, क्योंकि वहाँ का खून का बहाव नहीं होता। पहले तो आप आँख को सुधारिए, ठंडा ठंडा पानी मारिए, इससे आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। इतना फर्क मिलेगा कि आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें केवल पानी मारने से आँख में बहुत राहत है। दूसरी बात, आँख के कारण से माथा वो भी दर्द होता है, तो आपका माथा भी, मस्तिष्क भी शांत रहेगा और आँख का भी आपका प्रॉब्लम दूर होगा। और दूसरी बात, आप जैसे कि सुबह सुबह चल रहे हैं, तो चलना नहीं है, आपको थोड़ा सा तेज़ी बढ़ाना है, थोड़ा पसीना बहाना है, थोड़ा सा आप रामदेव बाबा का व्यायाम कर लें, जैसे कि हो गया अनुलोम विलोम, हो गया कपालभाति, हो गया थोड़ा बहुत नस नाड़ी दाब लें, और जितना से जितना आप चाहें तो खुद से आप, यदि घर में आप दाय वगैरह रखे हुए हैं तो कुछ आप नहीं भी तो गार्डन में जाके कुछ अपना मेहनत कर लें, मेहनत करें, मेहनत से क्या होगा, खून का आपका बहाव भागेगा।
थोड़ा यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो केवल रामदेव बाबा का व्यायाम जरूर करें और आप अपने आँख में पानी जरूर मारें और खाने में जैसे कि साग वगैरह बोलें उसे यूज आप जरूर करें, क्योंकि पहले के लोग जो मसाला पीस के खाता था उसमें आयरन होता था। दूसरी और आपका हाथ का जो है वहाँ का नस का बहाव रहता था। शरीर को आप जितना आप चलाइएगा, जैसे कि आप गाड़ी एक नया गाड़ी खरीदें उसे आप 6 महीना रख दें तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी जंग लगता है। तो अभी के दौर पे और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि सभी के हाथ में, बच्चा है बूढ़ा है, सभी के हाथ में मोबाइल आ गया, किसी किसी को कंप्यूटर में काम करना रहता है। तो आपका आँख पहले के ज़माने से जितना रिलीफ लेता था अभी उतना ही नुकसानदायक हो गया है। आप सामने में मोबाइल रख के किसी का कमेंट, अब पहले के ज़माने में पेपर होता था, अभी के ज़माने में क्या हो गया है कि मोबाइल हो गया है, मोबाइल से सारा का मैसेज देखना है, सारा का कुछ मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल में मजबूरी है, हमको करना है, ये चीज़ कर रहा है। और दूसरी बात है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, ना टीवी होता था ना मोबाइल होता था, अपना खाना खाया मस्त हुआ बाहर घूमा, तो उससे क्या होता था आपका शरीर स्वस्थ रहता था। अभी में अभी का दौर पे आपका आँख का ही नहीं पूरा शरीर का जो ऑर्गन है धीरे 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 करके डैमेज हो रहा है। आपका खान पान से डैमेज हो रहा है, मैदा का खाना जो खा रहा है, चाहे आपको घर में गेहूं का रोटी, हमारे घर में भी बच्चे हैं उसे रोटी पसंद नहीं है, तो आप चाउमीन दे दीजिए आराम से खा लेगा, आप पिज्ज़ा बर्गर दे दीजिए आराम से खा लेगा, आप मटर पनीर है चाहे पनीर चिल्ली है, चिल्ली में क्या होता है पनीर चिल्ली में आपका ऐसा ऐसा मसाला डाला जाता है कि धीरे 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 आपका शरीर का जितना भी आपका पहले के ज़माने में 80 तक जीता था, 90 तक जीता, 100 तक जीता था, अभी के ज़माने में 50 में ही कोई कोई लुढ़क जा रहा है, कोई 60 में लुढ़क जा रहा है, माने 40 30 आते आते या 20 ही बोल दीजिए ना कि 20 में ही शरीर सबका जवाब देने लग रहा, कुछ ना कुछ बीमारी हो रहा, पेट में है फिर भी इंसान को पेट के अंदर से ही बीमारी हो जा रहा, बच्चा जब बाहर आ रहा है तो बोल रहा है कि नहीं इसको जॉन्डिस है। तो यह कारण क्या है, तो कारण है खान पान है आपका, जो माँ खा रही वही बच्चा खा रहा है, तो उससे आँख में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। और पहले के ज़माने में धुआं में रहता था, अभी आदि आँख ऑपरेशन कराता है तो बोलता है धुआं में मत जाइएगा, अभी के लोग कहीं कहीं आप देखिएगा चूल्हा जलता है, हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके घर में गैस है, कुछ ना कुछ सुविधा खोज ही ले रहा है इंसान कि ताकि हमको मेहनत ना करना पड़े। पहले के ज़माने में कपड़ा धोता था, पहले के ज़माने में पूरा वर्क करता था, और अभी के ज़माने में मशीन घुमा दीजिए आपका कपड़ा धुल गया। तो कारण आपका यहाँ है। और आँख का आप थोड़ा आँख का व्यायाम कर लें, जैसे कि थोड़ा सा आप कानी अंगूरी का नस दबा लें, कानी अंगूरी का बगल वाला का नस दबा लें, उससे क्या होता है वह आपका आँख का जो होता है नस वहाँ पर ही आपका खून का बहाव भागेगा, उससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। और अलोम विलोम में क्या होता है कि जो अलोम विलोम आप कर रहे हैं नहीं भी समय है तो 5 मिनट जरूर करें, उससे क्या होता है हर जगह का जो ब्लॉक होता है वो खुलता है। और दूसरी बात है कि जो आप कहीं भी दर्द है आपको, जैसे कि आँख में दर्द है, चाहे केहनी में दर्द है, किसी भी जगह में दर्द है, आप क्या कर रहे हैं जा रहे हैं दवाई लेके आ रहे हैं खा ले रहे हैं, तो आपका उस जगह में क्या कर रहा है वो आपका दर्द तो रुक जा रहा है पर उस जगह में दर्द रुक रहा है वो सुन कर दे रहा है उस जगह को। और आपका किडनी है या लीवर है वो धीरे धीरे आपका माने छोटा बीमारी को रोक के बड़ा बीमारी का आप न्योता दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। यदि आँख में प्रॉब्लम है तो आप कोई अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, और घरेलू उपाय में आप यही करें कि आँख में ठंडा पानी मारें, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, थोड़ा बहुत हरा सब्जी का आप सेवन करें, थोड़ा सा पेट यदि साफ नहीं हो रहा है तो आप त्रिफला का चूर्ण ले लें, पेट सबसे पहले आप पेट को साफ करें ताकि आपका पेट साफ रहेगा
तो आपका जो भी गंदगी है, टॉक्सिन वगैरह है, आपका मूत्र द्वारा, लैट्रिन द्वारा आपका वो निकलते हुए चला जाएगा। यदि पेट यदि जाम है, आपका गैस है, तो आपका आँखी का नहीं सारा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा। तो आप वॉक जरूर करें। यदि पेट आपका आपका हवा नहीं छूट रहा है या आपको लाइटिंग नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पेट को साफ करें। कोई भी आदि नहीं आप घर में ही बना लें, आप थोड़ा सा जीरा ले लें, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें, थोड़ा सा आप जमाइन ले लें, उसको आप भून भून के मिला उला के आप एक चम्मच लेने के बाद पानी पी लें। उससे आपका क्या होगा, खाना खाने के बाद आपका पेट साफ होगा। यदि नहीं बनाना है आपको, तो आप रामदेव बाबा का दुकान जाएं, आप बोले त्रिफला चूर्ण चाहिए, कोई भी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले लें, आपको उससे पेट साफ होगा। तो आप ये चीज़ हमें बताइए कि हम आपको आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह हमारे चैनल में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।